अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन सो हमारी जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है जनरल एप्टीट्यूड में हम अपना लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में भी हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं जैसे एक टाइप होता है सिटिंग अरेंजमेंट का एक होता है हमारा पजल्स का और एक होता है ब्लड रिलेशन का तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट के एंड देन हम और भी क्वेश्चन देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ओके गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग यस एवरी वन ओके सो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड जो ये टॉपिक है ये हमेशा से स्कोरिंग रहा है और स्कोरिंग के साथ साथ आपकी जो रैंक होती है उसको बूस्टअप करता है ओके चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वन सोम्याजीत श्रुति मोनालिसा आराधना संग्राम सौरभ हरे कृष्णा सौरभ एंड भारती नागपाल यस गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग ओके सर चलो जल्दी से आ जाइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना कल का भी हमें अपना टॉपिक जो कल के क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस करने हैं यस गुड मॉर्निंग शिवांगी सूरज विकास हेमा लता रंजना वाकिल संग्राम जयाश्री नीलेश अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सो चलो जल्दी से ये जो लिंक है वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो और ये शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलो ओके एवरीवन सो चलो देखो जनरल में जो हम आज अब टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां कोई थियरी नहीं होती है कुछ भी फॉर्मूलाज नहीं होते हैं कुछ भी मैथ्स नहीं होता है कि आप इजीली यहां से अपने मार्क्स गेन कर सकते हो और अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो हर साल आपके तीन या चार क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं ओके okay, तो यहाँ से अगर आप अच्छे से अपना माइंड को यूज करना सीख जाओगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए क्या होता है एग्जाम में हम बहुत प्रेशर में रहते हैं और उससे पहले अगर हमने जनरल एप्टीट्यूड को देखा ही नहीं होता है तो हमारा मन ही नहीं करता एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमने कुछ पहले से पा... यस यस एवरी वन अभी देखो अभी आवाज आ रही है सभी को वेट अब आवाज आ रही है सभी को यस yes, शायद आप सबको आवाज आ रही होगी बताइए जल्दी से अब आवाज आ रही है सभी को यस yes, ओके okay, चलो ठीक है तो कोई भी हम आपको जनरल एप्टीट्यूड के लिए पढ़ना चाहते हैं और आप ऐसा नेट net... चाहिए अभी आप नहीं मैं कर दूँगा आपको स्टार्ट हो चुका है बंद करो हेलो एवरीवन देखो अब आवाज आ रही है ओके okay, चलो अब आवाज आ रही होगी शायद यस एवरीवन जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ कि अभी आवाज आ रही है और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई चलो स्टार्ट करते हैं फिर ओके okay, तो आज हम अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के इश्यूज okay, हो रहे हैं कोई नहीं हम अभी स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर ओके okay, और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चलो ये कल भी हमने अपना क्वेश्चन किया था फाइव पर्सन पी क्यू

जय श्री आप और सभी को देखो मेरे मोबाइल में भी वीडियो आ रही है देखो वीडियो तो आ रही है और आवाज़ भी आ रही है अभी तो शायद ओके तो अभी तो आप अपना एक बार नेटवर्क देखो कि आपके शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है यस चलो देखो यहाँ पर मैं इस इन क्वेश्चन के लिए टाइम ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि हमने कल ये डिस्कस किए थे फर्स्ट क्या है देयर आर टू परसन बिटवीन एस एंड टी तो यहां पर हमारा केस वन होगा केस विल बी कि एस सबसे ऊपर है और टी हमारा लास्ट में है कि एस और टी कौन स्टार्टिंग में है और कौन एंड में है तो so, हमारा टी यहाँ पर है और इस केस में एस यहाँ पर है ये फर्स्ट स्टेटमेंट से मेरे केसेस बने देन सेकेंड क्या है क्यू इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टी कि जो हमारा Q है वो T के आगे खड़ा है मतलब यहां से हमारा Q यहां आएगा और यहाँ पर यहां आएगा देन R इज एट द एंड ऑफ द Q अब बोल रहे हैं कि जो R है वो सबसे एंड में है हमारा ठीक है अब कॉन्ट्रोडिक्शन क्या आ रहा है फैक्ट में कि हमारे पास पांच लोग हैं और अगर मैं इस केस को लेती हूँ तो दो प्लेसेस मेरे पास यहाँ भी बाकी हैं तो एक प्लेस मेरा क्या रह रहा है यहाँ पर वैकेंट रह रहा है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि आपका एस ओ टी के बीच में दो लोग हैं बट यहाँ पर मेरा सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आएगी कहीं ना कहीं पी वाली पर फिर भी आपका एक प्लेस खाली रह जाएगा विच इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन टू द फैक्ट दैट कि देयर आर टू पर्सन बिटवीन एस एंड टी तो ये हमारा ऑप्शन केस हमने कंसिडर ही नहीं करेंगे कौन सा केस कंसिडर करेंगे ये वाला अब क्या बोल रहे हैं इज स्टैंडिंग बिहाइंड के पीछे एकदम P खड़ा हुआ है तो ये हमारा यहाँ से सीक्वेंस बन गया क्या सीक्वेंस बना है एस पी क्यू टी एंड आर ठीक है अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मिडल ऑफ द क्यू में कौन है तो मिडल बता दो कौन है ये क्यू है तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था बट काफी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम था तो इसलिए मैं फिर से डिस्कस कर रही हूं ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में इन अ फोर पाइलेट फ्लू मिस्टर ए स्केड्यूल टू वर्क ऑन मंडे हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये मिस्टर ए है ये मंडे को काम करता है ओरिजिनली ठीक है बट ही ट्रेडेड विद मिस बी उसने ट्रेड कर लिया मतलब मिस बी के साथ बातचीत करी कि तुम मेरी जगह चले जाओ मैं तुम्हारी जगह चली जाऊंगी यहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि एक्सचेंज करना कि तुम आ, मंडे को चले जाओ और मैं उस जिस दिन बी जा रहा है उस दिन चली जाऊंगी तो यहाँ पर जो मिस बी है वो कब करता है ओरिजिनली काम वेडनेसडे को ठीक है अब इन दोनों ने आपस में क्या कर ली है ट्रेडिंग कर ली है तो ये मिस्टर ए अब कब जाएगा ये हमारा जाएगा वेडनसडे को एंड ये जो हमारा मिस बी है ये जाएगा हमारा मंडे को ठीक है नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं मिस सी एंड मिस सी ट्रेडेड विद मिस्टर डी जो हमारा मिस्टर सी है और मिस्टर डी है उन्होंने आपस में ट्रेडिंग कर ली और वो अब अपने डेज एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे जो uh, हमारा क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स वो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर ठीक है कि ये स्टेटमेंट किसके लिए बोला गया है जब आपको बट वर्ड यूज हो एंड वर्ड यूज हो तो हमारा जो आगे का स्टेटमेंट है वो बोला जाएगा फर्स्ट नेम के लिए बट अगर यहां पर दे दिया जाता है कॉमा के बाद दे दिया जाता है तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट किसके लिए है मिस्टर डी के लिए है तो मिस्टर डी हमारा ओरिजिनली कब था वर्क करने के लिए थर्सडे को तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा जो मिस्टर डी है उसका ओरिजिनल डे क्या है काम करने का थर्सडे है और हमें पता है यहां से कि हमारे चार कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं क्योंकि हर इस इन ऐसे क्वेश्चंस में ना हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है फॉर कंसेक्यूटिव डेज है यहाँ ट्यूसडे मेंशन नहीं है बट हमें पता है कि अगर मुझे इन डेज को कंसेक्यूटिव बनाना है तो यहाँ पर ट्यूसडे को लाना ही पड़ेगा ठीक है तो अब मुझे पता चल गया कि जो मेरी मिस सी है वो काम कर रही है कब ट्यूसडे को आफ्टर ट्रेडिंग जब मिस सी और मिस्टर डी ने ट्रेड कर लिया तब हमारा मिस सी कब काम करेगी थर्सडे को और हमारा जो ये मिस्टर डी है ये कब काम करेगा ट्यूसडे को तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर ऑल द स्विचिंग डन ऑन को कौन काम करेगा तो देखो कौन काम कर रहा है ट्यूजडे को हमारा ट्यूजडे को हमारा काम कर रहा है मिस्टर डी तो इसीलिए मेरा ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में यस एवरी वन मिस्टर डी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं थोड़ा स्पीड इस से इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे बट काफी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नहीं किए होंगे तो इसलिए एक बार उनका सोल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था आज जो जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे जा रहा है आप लोगों का जोश कम क्यों हो गया है मुझे बस एक रीजन दो कि इसलिए जोश कम हो गया है ऐसे अगर आपका जोश कम रहेगा हमारा भी जोश कम हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट टॉपिक ही नहीं लेकर आ आप पाएंगे आपके लिए लाइक yes. so, uh, like करो सबसे पहले तो वीडियो को और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ये लिंक ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी नीड्स टू अपॉइंट अव वाइस चांसलर विच विल बी बेस्ड ऑन सीनियोरिटी यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को एक वाइस चांसलर चाहिए और वो कैसे चूज कर रहे हैं सीनियोरिटी बेसिस पर कि जो भी सीनियर होगा वो हमारा वाइस चांसलर बन जाएगा तो अब सीनियर कौन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे इन स्टेटमेंट से लॉजिकल रीजनिंग में सबसे मेन यही रहता है कि आपको जो भी स्टेटमेंट दिए होते हैं उनको लिखो और एक सीक्वेंस आपको जो मिल जाएगी उसी से आपका आंसर निकल जाएगा येस एवरीवन मिस्टर साउथ इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड चलो अब हम यहाँ से अपने स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहे हैं ठीक है कि जो हमारी मिस वेस्ट है वो थोड़ी सी लेस सीनियर है मिस्टर नॉर्थ से तो यहाँ पर अगर मेरा मिस्टर नॉर्थ आता है तो उसके नीचे आएगी मेरी कौन मिस वेस्ट अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन uh, को इन्होंने हिलाया है वो क्या चीज वर्ड देकर ये बट देकर कि ये बट दिया तो जो अब हमें आगे का स्टेटमेंट बोला गया है वो इस मिस्टर नॉर्थ के बारे में बोला गया है या फिर इस मिस वेस्ट के बारे में बोला गया है बताओ मुझे यहाँ पर जब मैंने बट का कब क्या बताया था आपको कि जब भी आपका बट वर्ड आएगा या फिर एंड वर्ड आएगा तो जो भी आगे का स्टेटमेंट होगा वो हमारा इसके लिए होगा अगर हुआ था, तो जो हमारा लास्ट ये वाला नाम दिया गया था उसके लिए स्टेटमेंट होता पर बट है तो जो ये आगे का स्टेटमेंट आपको यहां से यहां तक दिया गया है यहां तक ये मिस्टर मिस वेस्ट के लिए है तो आप पढ़ो इसको क्या बनेगा ये मिस वेस्ट इज मोर सीनियर टू मिस ईस्ट कि जो हमारी मिस वेस्ट है वो लेस सीनियर है मिस्टर नॉर्थ से बट सीनियर किसके है मिस्टर ईस्ट से तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा ओके okay, यहां पर हमारी आ जाएगी कौन मिस ईस्ट अब आगे क्वेश्चन है मिस्टर साउथ इज सीनियर टू मिस वेस्ट कि जो हमारा साउथ है वो सीनियर है मिस वेस्ट के बट अब हमें ये नहीं पता है कि वो हमारा मिस्टर नॉर्थ ये भी सीनियर है या फिर मिस्टर नॉर्थ से जूनियर है तो उसके आगे वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बट जूनियर टू मिस्टर नॉर्थ बट मिस्टर नॉर्थ से जूनियर है तो यहां पर हमारा आ जाएगा कौन मिस्टर साउथ अब क्वेश्चन में बोला है इफ द द सीनियर मोस्ट असाइनमेंट हमने क्या बोला था हम कैसे वाइस चांसलर चुनेंगे यहां पर वाइस चांसलर हम चुन रहे थे यहां पर इस कैसे कि जो भी इस यूनिवर्सिटी में सीनियर होगा अब सीनियर ने मना कर दिया कि मुझे बनना ही नहीं है वाइस चांसलर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी ही नहीं है उसने ये मना कर दिया तो अब हमारा कौन बचा सीनियर अब हमारा यहाँ से सीनियर बन गया है मिस्टर साउथ तो नेक्स्ट वाइस चांसलर जो हमारा बनेगा यूनिवर्सिटी का वो बनेगा मिस्टर साउथ सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो ये क्वेश्चंस थे कल वाले जो हमने कल के डिस्कस किए हैं अब आते हैं हमारे न्यू क्वेश्चंस अब यहां से स्टार्ट करो ठीक है अब आपको मैं थोड़ा टाइम दूंगी और मुझे जल्दी से वो जोश दिखाओ कि यस आप में वो जोश है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का चलो जल्दी से सॉल्व करो बताओ देखो इजी क्वेश्चन है बस अरेंज करना है और फिर यहाँ पर आपको केसेस देखने पड़ेंगे ये क्वेश्चन जो होगा आपका सॉल्व वो केसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा ये आपका नवंबर 2020 में ही आया है ओके जैसे लाइफ साइंस की एक दो शिफ्ट में पेपर हुआ था तो किसी एक शिफ्ट का क्वेश्चन है ये हुआ किसी से सॉल्व क्या बोला गया है यहाँ पर कि सात पर्सन है ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ रो वो एक रो में बैठे हैं ई एंड बी आर सिटिंग adjacent टू ईच अदर देखो जब भी आपको कुछ भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अपना केसेस बनाना स्टार्ट करो ठीक है फर्स्ट हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा ई एंड बी आर सिटिंग टू ईच अदर का मतलब क्या है बिल्कुल बगल बगल में बैठे बट यहाँ पर ये ये कुछ नहीं है कि ई बी e इस तरीके से बैठे हैं और बी इस तरीके से बैठे हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा ये दो केसेस निकले देन सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं हम अपना सेकेंड क्या बोल रहे हैं एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी की जो एफ है वो डी एंड जी के बीच में बैठा है तो यहां पर भी हमारे दो केस बनेंगे कि डी और जी का पोजिशन फिक्स नहीं है तो यहां से भी ये दो केसेस बन गए Then आपका केस से अगर हमारा आएगा क्या जो थर्ड स्टेटमेंट है इफ सी इज सिटिंग फोर प्लेसेस लेफ्ट ऑफ एफ अगर मेरा यहां पर एफ है तो सी मेरा फोर्थ प्लेस लेफ्ट में बैठा है एफ से ठीक है ये तीनों अब आप आपको केसेस मिले इन तीनों केसेस से आपको बताना है कि कौन सा सेंटर में पॉसिबल नहीं है तो अब आप बताओ देखो अब तो मैंने सारा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया है तीनों स्टेटमेंट्स क्या आप बोल रहे थे देख लिए बस इनको अरेंज करो अरेंज करने के बाद देखो कि कौन सा यहाँ पर मेंबर है जो सेंटर में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मैं आंसर देख पा रही हूँ काफी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है बट काफी लोगों का जी आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है ओके जी और डी कैसे साथ में एक साथ पॉसिबल हो जाएगा भारती जी कैसे पॉसिबल है जी तो मैं अभी आपको काट के दिखा दूंगी बिल्कुल एकदम यहां पर सबसे बड़ी बात जो है इस क्वेश्चन में वो क्या है कि सबके लिए कोई ना कोई कंडीशन है बट इस ए के लिए कोई कंडीशन नहीं है हमें इस ए के लिए हमें यहां पर कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है यस वंदना सिंह वेरी गुड बिल्कुल अभी आंसर मुझे दिखना स्टार्ट हो रहा है काफी स्टूडेंट्स का यस संग्राम वेरी गुड विशाखा यस एवरी वन वेरी गुड जो भी एफ दे रहे हैं आंसर वेरी गुड चलो अब हम मैं दे बता देती हूँ क्या करना है आपको आप देखो हम अगर मैं ये केस ले रही हूँ कि C और F के बीच में मुझे तीन लोग डालने हैं सबसे पहला हमें पता है कि जो ये F है इसके ये हमारा किसके बीच में है D और G के बीच में है तो यहाँ से अगर मैं ये दो केसेस मेरे बनेंगे कि यहाँ पर इसको D को यहाँ रख दूँ और G या फिर हमारा जी एफ डी ठीक है अब हमें पता है कि टोटल हमारे पास सात पर्सन है और जो भी B और E है वो दोनों हमेशा साथ में ही आएंगे मतलब ये पेयर के रूप में ही आएंगे अलग अलग बैठेंगे ही नहीं जैसे होते हैं ना स्कूल्स में काफी गहरी दोस्ती है तो ये दोनों साथ में ही बाहर जाते हैं साथ में आते हैं तो ऐसे यहां पर बी ई e है कि इनको साथ में ही बैठना है तो अगर मैं बी ई को यहां दे देती हूं तो फिर से मुझे यहाँ दो प्लेसेस बच जाएंगे और हमारे पास कितने टोटल लोग हैं सात लोग हैं तो फिर से यहां पर एक प्लेस खाली रह जाएगा तो मतलब या तो मेरा यहाँ से बी ई होगा या फिर मेरा यहां से ये ई बी होगा इस तरीके का केस बनेगा करेक्ट अब देखो ये छह लोग तो फिक्स हो गए ये छह लोगों से हमारी ये ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं अब आपका क्या बचा यहाँ से आपके पास थे सात लोग और एक ये ए वाला के लिए कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है बट हमें पता है इन बी, इनके बीच में तो कहीं नहीं आएगा ए तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो ये ए है वो या तो यहाँ आएगा या फिर वो यहाँ आएगा ठीक है कोई भी केस ले लो यहाँ से तो अगर मैं ये वाला केस लेती हूं जो तो जब वो लोग डी बोल रहे थे अगर मैं ये वाला केस लेती हूं तो इस केस में बीच में कौन बन रहा है बीच में मेरा इस केस में डी बन रहा है तो डी तो हमारा सेंटर में पॉसिबल हो रहा है बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कैन नॉट बी पॉसिबल कि जो सेंटर में पॉसिबल ना हो तो इस केस में मेरा अगर मैं ए को इस साइड ले लेती हूं क्योंकि ए की यहाँ पर पोजिशन फिक्स नहीं है यस yes, सी oh, यस yes, बिल्कुल हो सकता है भारती नागपाल बिल्कुल हो सकता है वही मैं बोल रही हूं ना भारती नागपाल की आपके ये छह प्लेसेस के लिए तो फिक्स हो गए अब आपको ए को इधर उधर करना पड़ेगा ना जैसे मैंने ए को इधर रख दिया ठीक है अभी जब मैंने ए को इधर रखा था इस केस में तो मेरा मिडल में कौन आ रहा था मेरा मिडल में डी आ रहा था बट जैसे ही मैंने इसको हटा दिया इधर से और इसको रख दिया अब इधर अब मिडल में मेरा कौन आ गया है अब मिडल में मेरा आ गया है ई e. तो ई e भी मेरा सेंटर में पॉसिबल है ठीक है ओके आ रहा है ना सभी को और एक और केस यहां से देखो आप कि अगर मैं ए को यहां पर डाल देती हूं जैसे हमें पता है कि ये जो जी और डी की पोजीशन है ये हमें पता नहीं है फिक्स नहीं है तो यहां से अगर देखो आप ये वाला हम केस ले लेते हैं ये वाला केस ले लेते हैं इस केस में अगर मेरा ए यहां पर है तो सेंटर में क्या होगा हमारा ये बी होगा तो बी भी हमारा सेंटर में हो पा रहा है तो इसीलिए ये बी भी कट हो गया डी भी कट हो गया आपका ठीक है अब यहां से इस ए को हटा दो इधर से और इस ए को डाल दो अब इधर अब आपका सेंटर में कौन हो रहा है अब आपका सेंटर में आ गया यहाँ से ये g तो ये g भी आपका सेंटर में पॉसिबल है तो इसीलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी कट हो गया तो इसीलिए फोर्थ होगा देखो चार केस हमारे के, इसमें केसेस बनेंगे काफी सारे केसेस बनेंगे कि एक बार a को मैंने इधर ले लिया एक बार a को इधर ले लिया फिर b ही को चेंज करके आएंगे केसेस d g को केसेस चेंज करके आएंगे पर हमें इतने सारे केसेस बनाने क्यों हैं हमें तो सिर्फ ऑप्शन चार दिए हुए हैं ना तो अगर हमें तीन के भी मिल गए और तीन से हमारे तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं तो हम क्यों एक्स्ट्रा वर्क करें ना हमें यहाँ पर काम क्या करना है ऑप्शन को डिस्कार्ड करके एक आंसर लाना है ठीक है तो मेरे इन केसेस को लेकर ही तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो हम और ऑप्शन पे वर्क क्यों करें करेक्ट क्योंकि आपको तो कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है यस एवरी वन एफ ही आएगा हमारा यस ई डी जी बी कैन बी एट सेंटर ओनली यस क्लियर हो गया ना सभी को कि यहां से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा एफ क्योंकि एफ यहाँ पर आप देख रहे हो एफ हमारा यहां पर आ रहा है इस पोजिशन पर आ रहा है तो ये कभी भी सेंटर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाए तो सबसे पहले ऐसे लिखो ठीक है फिर उसके बाद केसेस बनाना स्टार्ट करो ठीक है देखो ये क्वेश्चन भी आपका नवंबर 2020 का है नवंबर 2020 में ये पेपर क्वेश्चन uh, में क्वेश्चन uh, पेपर में आया था किसी शिफ्ट में और जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रही हूं ये भी आपका नवंबर 2020 का है तो आप मुझे बताओ कि क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो अभी भी आपको टफ लग रहा है क्या Yes, संग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है और अब बस जल्दी से मुझे ये बताओ कि क्या अभी भी आपको टफ लग रहा है जनरल एप्टीट्यूड ये क्वेश्चन देखो जो दो अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन किया वो भी नवंबर 2020 का था ये भी नवंबर 2020 का है आपका और दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी और ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं बिल्कुल आए हैं इसीलिए कि अगर आप जनरल एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो फॉर श्योर sure आप वहाँ से जनरल एप्टीट्यूड के छह से सात क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लोगे ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन को करो जो जो मेथड मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया सेम मेथड लगाना है स्टेटमेंट को रीड करो यहां से केसेस बनाओ और केसेस को डिस्कार्ड ऑप्शंस को डिस्कार्ड करो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती हूँ बच्चे गायब हो जाते हैं क्या और ऐप चलाने लग जाते हो कि मैम क्वेश्चन का आंसर जब भी क्वेश्चन का आंसर हमारे उसमें दिखेगा कमेंट में बस हम वही लिख देंगे सॉल्व तो करना नहीं है सॉल्व करो देखो यहाँ जितना टाइम आप दे दे पा रहे हो ना दो क्योंकि उसके बाद नहीं बोल रही हूँ मैं कि जनरल एप्टीट्यूड सॉल्व करो आप ठीक है वेरी गुड काफी लोगों ने ज्योत सौरभ सुधा निधि यस सुनीता वेरी गुड देखो अगर आपने जेनुनली सॉल्व किया है और आपका आंसर फर्स्ट आया है तो सच में वेरी गुड यस एवरीवन चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइव पर्सन है ए बी सी डी एंड ई फॉर्म अ क्यू सी एंड ई आर नेक्स्ट टू वीच अदर यहां से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से आ रहा है कि जो सी सीई e है वो हमारे साथ में होंगे हमेशा तो या तो सी ई e होगा या फिर ई e, सी होगा ठीक है नेक्स्ट है हमारा ए हैज वन पर्सन एहेड ऑफ हिम कि ए के आगे सिर्फ हमारा एक इंसान है ये हमें सेकंड दिया हुआ है एक और दिया हुआ है इसी के साथ में एंड हैज एटलीस्ट वन पर्सन सेपरेटिंग सेपरेट ए और बी के बीच में एटलीस्ट एक इंसान होना चाहिए एक इंसान हो या एक से ज्यादा इंसान हो तो यहां पर मेरे केसेस दो बनेंगे क्योंकि पांच ही लोग हैं तो एक केस तो या तो ये बनेगा या फिर हमारा ये बनेगा क्योंकि इन्होंने बोला ना एटलीस्ट एक इंसान होना चाहिए ए और बी को सेपरेट करने वाला बट हमें यहां से पता है कि हमारे पास टोटल पांच लोग हैं तो ये दोनों केसेस ही बनेंगे इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा अब हमारे यहां से ए और बी की पोजिशन फिक्स हो गई है सी के सीई के बारे में हमें पता है कि ये दोनों पूरे एक साथ ही जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो अगर मैं सीई को यहाँ भेज देती हूँ तो हमारे पास फिर से ये दो पोजीशन खाली बचेंगी जिसमें से हमारे पास सिर्फ एक इंसान है भेजने के लिए और एक इंसान वैकेंट रह जाएगा एक सीट हमारी वैकेंट रह जाएगी तो इसलिए हम इस केस को कट कर देंगे हम अपना कौन सा केस लेंगे ये वाला क्योंकि सीई हमारा साथ में आते हैं तो सीई को मैं ऐसे लिख लेती हूँ ठीक है अब आपका कौन सा फिफ्थ इंसान बचा फिफ्थ इंसान आपका यहाँ पर डी बच गया ठीक है तो हमारा यहां से बना ये केस उसके अलावा हमारी एक और यहां पर केस बन सकता है क्योंकि सी ई -E की पोजीशन फिक्स नहीं है तो यहां से हमारा ये भी बनेगा ये दोनों हमारे यहां से पोजीशन निकल के आई एक ये और एक ये अब देख लो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ए एंड डी आर नेक्स्ट टू ईच अदर यस दोनों केसेस में जो हमारा ए एंड डी है वो साथ में आ रहे हैं तो यस फर्स्ट वन इज करेक्ट सेकेंड बोल रहे हैं ए एंड ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर अगर मैं ये वाला केस लेती हूँ तो ए और ई e साथ आ रहे हैं बट अगर मैं ये वाला केस लेती हूँ तो यहाँ पर ए एंड सी साथ में आ रहे हैं और कोई भी हमारा ऑप्शन सर्टेनली ट्रू बोला पूछा गया है कि हम कोई भी केस ले लें ले और ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ठीक है आपकी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो इसीलिए यहां पर हमारा ये ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि इस केस में पॉसिबल हो रहा है ए और ई का साथ में आना बट इस केस में नहीं हो रहा है थर्ड क्या है डी एंड ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर ठीक है तो डी और ई e तो कहीं से कहीं तक नहीं है हमारे फोर्थ है है बी एंड सी आर नेक्स्ट अदर इस केस में है, बट इस केस में नहीं है और हमें पता है कि कोई भी आपको ऑप्शन दिया गया है वो दोनों केसेस को सेटिस्फाई करना चाहिए तो सिर्फ हमारा ये केस है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है सो ए एंड डी आर नेक्स्ट टू ईच अदर इज करेक्ट आंसर क्लियर है अरेंजमेंट uh, आप क्या बोल रहे हो कि देखो एहड का मतलब क्या होगा कि एक के आगे हमारा एक इंसान है आपने यहां पर क्या कर दिया है ओके okay. ठीक है तो आप एक बार केसेस देखो केसेस में जो भी हमारे सेटिस्फाई करेंगे वो सिर्फ ये फर्स्ट ऑप्शन होगा और कोई ऑप्शन हमारा यहां से नहीं होगा ठीक है देखो केसेस हमारे यहां से आ, दो वाला एक ये वाला भी बन सकता था कि बीच में हमारा सिर्फ एक इंसान ए और बी के बीच में बट अगर मैं ये ले लेती हूं तो मेरा सीई साथ में नहीं आ पाएगा है ना चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ ये क्वेश्चन भी हमारा नवंबर 2020 का है अब आप देखो कि अगर आपने इससे पहले जो हमने अकबर अकबर एंटनी वाला क्वेश्चन किया था और इसमें क्या डिफरेंस है बस मुझे बता दो अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो नवंबर 2020 के पेपर में जो ये क्वेश्चन आया था ये भी आप इजीली सॉल्व कर देते बताओ अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा कि आपको जब भी दो या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स दे दिए जाए तो उस क्वेश्चन को बाय टेबल सॉल्व करो तो इस क्वेश्चन को भी बाय टेबल सॉल्व करो करिए बताइए क्या आंसर आएगा देखो ये क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट करके चलूंगी बिल्कुल कि ये आप सही आंसर दो इससे पहले वाले मैंने नहीं बोला कि आप सही आंसर दो बट ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है इस क्वेश्चन में आप इजीली दो मार्क्स गेन कर सकते थे इस क्वेश्चन के लिए पूरा एकदम से बाढ़ आ जानी चाहिए ऑप्शन की हमारे कमेंट सेक्शन में और वो भी सही ऑप्शन की ओके okay, स्टार्ट हुआ है चलो आगे और स्टूडेंट्स बताइए क्या आंसर होगा यस yes. यस yes, और स्टूडेंट्स बताइए कम स्टूडेंट्स आंसर देंगे तो कैसे चलेगा सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करिए देखो गलत बता रहे हो तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी बट एट लीस्ट सॉल्व करो क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है चार लोग हैं हमारे पास अनवरा, भारती गोलीनन तरुण कम्यूट बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेमली साइकिल साइकिल ऑटो रिक्शा बस एंड ट्रेन ठीक है अब इन्होंने यहां से स्टेटमेंट्स देने स्टार्ट कर दिए और बोल रहे हैं द इनिशियल्स ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द नेम ऑफ द पर्सन मैच इन एक्सक्टली टू कि जो हमारे इनिशियल्स हैं नाम के और mode of transport के और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनिशियल हैं वो सिर्फ हमारे दो केस में मिल सकते हैं उसके अलावा हमारे नहीं मिल सकते देन बोल रहे हैं इफ तरुण ट्रेवल्स बाय ट्रेन तो हम इस क्वेश्चन को बाय सॉल्व करते हैं टेबल से तो ये हमारी है अनवरा देन हमारी भारती एंड यहाँ पर हमारा लास्ट में तरुण और हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे साइकिल ऑटो बस एंड ट्रेन अब यहाँ पर क्या दे दिया गया है यहाँ पर बोला गया है कि जो ये तरुण है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है डायरेक्टली तरुण का आ, बता दिया है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कि वो किससे ट्रेवल कर रहा है तो तरुण हमारा यहाँ पर है ट्रेन हमारी यहाँ पर है तो हमने इसके नीचे लगा दिया अपना टिक कि तरुण हमारा ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो अगर तरुण ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो अनवारा नहीं करेगी ट्रेन से ट्रैवल भारती भी नहीं करेगी और हमारी कॉलिन भी नहीं करेगी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि जो कॉलिन है वो हमारी राइट्स Neither an auto -rickshaw, nor an bus. कि जो कोलिन है वो ना तो हमारी ऑटो रिक्शा ले रही है ना ही हमारी बस ले रही है तो कोलिन हमारे कौलिन के ऑटो रिक्शा के सामने कट लगा दो एंड देन बस के आगे भी कट लगा दो तो आप कोलिन के आप देख सकते हो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हैं वो सिर्फ हमारे यहाँ से क्या रह गई है साइकिल रह गई है तो कोलिन हमारी साइकिल से जाएगी अब बच्चा हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन था कि जो हमारे इनिशियल्स हैं नाम के और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के वो एग्जैक्टली टू टाइम्स मैच कर सकते हैं तो यहाँ से देखो आप कि हमारा तरुण का टी एंड ट्रेन का टी मैच कर गया तो एक तो ये हो गया उसके बाद कोलिन का सी और साइकिल का सी तो जो वो दो केसेस बोल रहे थे ना कि जहां पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इनिशियल और नाम का इनिशियल सेम होना चाहिए वो हमारा यहाँ पर वो दोनों केसेस मिल गए हैं ठीक है ठीके? तो यहां से हमारा बचा क्या अब आपका बच गया है अनवरा और भारती के लिए ठीक है अनवरा और भारती के लिए और हमारे यहां से साइकिल से भी नहीं जाएगी ये भी नहीं जाएगी तो ऑटो और बस बचा है अब यहां से अनवरा का इनिशियल ए है और ऑटो का इनिशियल भी ए है और हमें इनिशियल मैच नहीं करने हैं तो यहां से इसका लग गया कट ठीक है कि अनवरा हमारी ऑटो से नहीं जाएगी तो तीन कट हो गए इस रो में तो हमारा बस से जाएगी अब भारती जो है भारती के लिए सिर्फ हमारा एक चॉइस बची है दैट इज ऑटो तो हमारी भारती किससे जाएगी ऑटो से जाएगी तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो टेबल बनाओ कट करो और आपको आंसर मिल जाएगा तो यहां से हमें पता चला कि जो हमारी अनवरा है वो बस से जा रही है भारतीय ऑटो से जा रही है कोलिन हमारी साइकिल से जा रही है तरुण हमारा ट्रेन से जा रहा है ऑप्शन देख लो ऑप्शन में बोल रहे हैं अनवरा राइड्स एंड ऑटो रिक्शा दिस इज रॉन्ग क्योंकि अनवरा हमारी किससे जा रही है बस से सेकेंड विल बी योर आंसर कि अनवरा हमारी बस से जा रही है यस yes, कोई नहीं देखो ऑप्शन आपको जब भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो ना तो क्वेश्चन को एक या दो बार रीड करो ठीक है जो ये इनिशियल्स वाला क्वेश्चंस होते हैं जैसे ये कल आपने पढ़ा होगा वो वाला हमने क्वेश्चन किया था मिस वाइट और मिस ब्लैक और मिस ब्राउन वाला कि उनकी ड्रेसेस हमारी उनके नाम से नहीं मिलनी चाहिए तो ऐसे इंग्लिश का थोड़ा सा अपने माइंड बनाओ रीड करने का क्वेश्चन को कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाया जा रहा है और आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है ठीक है दैट इज मेन ओके समझ में आ रहा है संग्राम ओके <laughs> okay, भारती वो आपके नाम से मैच नहीं करना चाह रहे थे ठीक है सभी को आंसर आ गया है सेकेंड इज द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ये भी हमारा नवंबर 2020 का क्वेश्चन है मतलब नवंबर 2020 में मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एक ही पेपर के क्वेश्चन है ये काफी ये शायद हमारा मैथमेटिकल साइंस का क्वेश्चन है मैथमेटिकल साइंस में आया था ये क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में तो जो भी मैथ्स के स्टूडेंट है वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आए होंगे आई थिंक ठीक है तो ये क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो लाइफ साइंस के थे लाइफ साइंस में भी हमारे शिफ्ट्स में पेपर हुए थे तो उनमें से किसी का क्वेश्चन था ये राजू देखो अब भी टाइम लग रहा है ना जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अब आपको टाइम नहीं लगेगा देखो जैसे जैसे हम यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर भी टाइम लग रहा था बट आगे आगे बढ़ते हुए आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो तो टाइम लग रहा है थोड़ा बट ट्राई कर रहे हो ना तो वो ट्राई करते रहो एग्जाम तब आपका इतना माइंडसेट हो जाएगा कि क्वेश्चंस रीड करने में आपको टाइम नहीं लगेगा और अगर किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो स्किप दैट क्वेश्चन ओके okay? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा यहां पर हमारा क्या होगा एवरीवन जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक

और उसके बाद उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से हमें बताना था कि कौन झूठ बोल रहा है तो सेम यहाँ पर है बस ये लैंग्वेज चेंज कर देते हैं अप्रोच सेम रहती है हमेशा क्वेश्चन की ओके यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है आंसर्स में कोई नहीं आप आंसर दो सभी इन्फॉर्मेशन है वन ऑफ फोर सस्पेक्ट्स ए बी सी एंड डी हैज कमिटेड अ क्राइम इन चारों लोगों में से किसी एक ने हमारा क्राइम किया है ए एंड डी आर ऑलवेज ट्रूथफुल ए और डी जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं ठीक है ये बातें आपको ध्यान में रखनी है क्या बोला गया है फर्स्ट कि जो ए एंड डी है आर ऑलवेज ट्रूथफुल नेक्स्ट बोल रहे हैं बी एंड सी आर ऑलवेज अन ट्रूथफुल का मतलब क्या है अन का मतलब है कि ये झूठ बोल रहे हैं कि इनको कुछ भी स्टेटमेंट बोलेंगे जैसे मैं बोल रही हूँ कि आज मैं क्लास में नहीं पढ़ा रही हूँ और मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ तो मैं इसका क्या मतलब निकालूंगी कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये तो हमेशा झूठी बोलती है तो इसका ये स्टेटमेंट भी झूठा होगा ठीक है तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है सेकेंड है बी एंड सी आर ऑलवेज अनट्रूथफुल अब बोलो यहां से बोला गया है सी एंड डी आर आइडेंटिकल ट्विंस एंड द इंटरोगेटर डज नॉट नो हु इज हु यहां पर कि जो सी एंड डी है वो ट्विंस हैं और वो सेम शक्ल के हैं तो समझ में नहीं पा रहे हैं जो इंस्पेक्टर है वो समझ नहीं पा रहा है कि सी और डी कौन है ठीक है बट हमारा सी और डी में क्या डिफरेंस है हमेशा होता है ना कि आ, अगर आप लोग दो भाई बहन हो तो एक अच्छा होता है एक बुरा होता है तो सेम सी डी के साथ है कि जो मेरा सी है वो हमेशा झूठ बोलता है और जो हमारा डी है वो हमेशा सच बोलता है तो हम इस कंडीशन से पता लगाएंगे कि कौन सी है और कौन डी है करेक्ट एवरी चलो अब हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं A बोल रहा है ए सेज डी इज इनोसेंट ए क्या है ए हमेशा क्या स्टेटमेंट देता है सच बोलता है ए हमेशा हमारा सच बोलता है तो अगर ए बोल रहा है कि डी इज इनोसेंट सो इज इनोसेंट डी ने ये काम नहीं किया है तो हमारा क्या बोला गया था क्वेश्चन में देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स कि कौन सा हमारा फॉल्स है तो डी इज इनोसेंट ये वाला तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है तो ये कभी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा सेकेंड है हमारा बी सेज ए इज़ गिल्टी बी बोल रहा है जो हमारा ये है बी सेज बी ए इज गिल्टी और हमें पता है कि बी हमेशा क्या करता है झूठ बोलता है तो मतलब यहां से जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट निकला इसके स्टेटमेंट से हमें पता चला कि ए इज इनोसेंट बोलने का मतलब क्या होता है कि वो जो भी स्टेटमेंट बोल रहा है हमें उसको ऑपोजिट सोचना है हमें पता है यहां से कि जो बी है वो हमेशा अनट्रुथफुल होता है ठीक है क्या होता है अनट्रुथफुल होता है तो इसीलिए हमें पता चल गया कि जो बी सेज बोल रहा है ए इज इनोसेंट दिस इज करेक्ट ठीक है यहां से हमें पता चल गया कि ए भी मेरा इनोसेंट है ठीक है ए भी इनोसेंट है अब पता चला गाना है इज इनोसेंट एंड अदर सेज बी इज गिल्टी सी और डी हमें नहीं पता कि कौन कौन है एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए इज इनोसेंट और एक बोल रहा है बी इज गिल्टी अब हमें पता है इस स्टेटमेंट से क्योंकि बी ने क्या बोला था ए इज गिल्टी और बी हमेशा झूठ बोलता है तो उससे हमें पता चला था कि ए भी इनोसेंट है अब जो भी ए इज इनोसेंट बोल रहा है मतलब वो सच्चा इंसान है क्योंकि सच में ए इनोसेंट है और सी और डी में से सच कौन बोलता है सी और डी में से सच हमारा डी बोलता है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो किसने बोला होगा डी ने बोला होगा डी सेज इज इनोसेंट तो यहां पर यही बोला गया था डी सेट ए इज इनोसेंट तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है ये भी कभी ट्रू फॉल्स uh, नहीं हो पाएगा अब जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है ये कौन बोल रहा है सी बोल रहा है सी गिल्टी ठीक है अब जो हमारा सी है वो हमेशा क्या करता है हमेशा झूठ बोलता है हमेशा क्या करता है झूठ बोलता है तो अगर हमारा सी बोल रहा है सी का स्टेटमेंट यहां से आ रहा है कि बी इज गिल्टी तो हम यहां से क्या कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं हम यहां से कॉन्क्लूजन निकालते हैं कि बी इज इनोसेंट तो जिन भी लोगों ने मुझे थर्ड आंसर दिया था उनका ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फॉल्स पूछा गया है तो इन सारे स्टेटमेंट से मुझे ये तीन करेक्ट मिल गए तो डेफिनेटली फोर इज करेक्ट आंसर सी इज इनोसेंट ये नहीं है सी इज गिल्टी सी ने ही ये काम किया है समझ में आ रहा है सभी को समझ में आ रहा है सभी को क्या किया है ये yes, fourth correct होगा। संग्राम आपको क्या हुआ समझ में नहीं आया देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था क्वेश्चन में ना ये जो सच झूठ वाले क्वेश्चन आते हैं ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं तो ये क्वेश्चन की थोड़ा आप प्रैक्टिस करो सच बोलने का मतलब है कि उसने कुछ भी स्टेटमेंट बोला वो सच ही होगा झूठ बोलने का मतलब क्या है जैसे मैं हूं अगर मैं बोल रही हूं मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ ये कंसिडर करके चलो कि मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ और मैंने ये बोला कि जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही टफ है ठीक है और मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ तो यहाँ से क्या हम स्टेटमेंट निकालेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही ईजी है ठीक है तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन में होगा कि अगर कोई सच बोलने वाला इंसान बोल रहा है कि ए इज इनोसेंट तो ए इज इनोसेंट बट अगर कोई झूठ बोलने वाला इंसान बोल रहा है कि ए इज इनोसेंट तो उसका इंप्लाई क्या होगा ए इज गिल्टी ए इज नॉट इनोसेंट क्लियर हुआ सभी को यस लास्ट स्टेटमेंट की वजह से ट्रिकी क्वेश्चन था ये यस yes, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं है ओके नरेंद्र नेहरा थैंक यू यस फॉल्स ठीक है मैं एक बार फिर से बताती हूँ ओके okay. ठीक है एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए एंड डी आर ऑलवेज डी है वो हमेशा हमारे सच बोलते हैं आप लोगों की तरह बी एंड सी हमेशा झूठ बोलते हैं मेरी तरह ऐसे वाला समझ के चलो क्वेश्चन को देन हमें बोला गया है सी एंड डी आइडेंटिकल ट्विन है और इंटरोगेटर को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन यहाँ पर कौन है डी बोल रहा है कि यहाँ पर ए बोल रहा है यहाँ पर कि डी इज इनोसेंट और हमें पता है ए हमेशा सच बोलता है तो जो भी उसका इनो स्टेटमेंट होगा वो सच ही होगा सो दिस इंप्लाइज डी इज इनोसेंट तो कभी भी हमारा डी इज इनोसेंट करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फॉल्स पूछा गया है

बी के बारे में हमें नहीं पता बट हमें पता है कि ए सच में इनोसेंट है इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चला था। अब एंड में से सच <coughs> सच कौन बोलता है? सच बोलता है? है है, हमारा ठीक तो डी ने हमारा ये वाला स्टेटमेंट बोला होगा और सी ने हमारा ये वाला बोला होगा ठीक है सी हमेशा झूठ बोलता है तो उसका स्टेटमेंट जो बी इज गिल्टी है उसका ऑपोजिट निकलेगा क्या बी इज इनोसेंट तो हमारा फर्स्ट भी, भी सही होगा थर्ड भी सही होगा फोर्थ भी सही होगा सेकेंड भी सही होगा तो क्वेश्चन में पूछा गया था फॉल्स ऑप्शन तो इसीलिए हमारा यहां से सी इज इनोसेंट फॉल्स होगा क्लियर समझ में आ रहा है सभी को संग्राम आपको समझ में आ गया है हम अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देखो ये क्वेश्चन इजी है जल्दी से इसको आप बता सकते हो जो हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो मैथमेटिकल साइंस के जनरल एप्टीट्यूड में आया था तो भारती वंदना जो भी हमारे हाँ पर मैथ्स के स्टूडेंट है आई होप उन्होंने थोड़ा तो थो माइंड यहाँ पर लगाया होगा ठीक है थोड़ा आंसर होता है कभी कभी जब हम थोड़ा भी पढ़ के नहीं जाते जनरल एप्टीट्यूड बट अब भी अगर आप थोड़ा भी जनरल एप्टीट्यूड पढ़ के जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाओगे तो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे डेफिनेटली सॉल्व होंगे देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ऑप्शंस को लेकर चलो और आपका आंसर आ जाएगा बताइए किसी से सॉल्व हुआ आंसर क्वेश्चन अर्चना पाटिल थ्री वेरी गुड क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट ए बोल रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट बी बोल रहा है द प्रिस स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉलोइंग का मतलब क्या होता है कि जो भी नीचे वाला स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है और प्रिसडिंग का मतलब ऊपर वाला ठीक है तो यहां पर बोला गया है स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू नहीं ना कैसे ट्रू हो जाएंगे हमारे कि अगर देखो स्टेटमेंट ए ये है मेरा स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है स्टेटमेंट बी हमारा यहां से बोल रहा है कि जो प्रीसीडिंग स्टेटमेंट है मतलब ऊपर वाला जो तो स्टेटमेंट है ना ये हमारे आपस में ही कभी नहीं होंगे ये बोल रहा है कि जो ये वाला स्टेटमेंट है ये ट्रू है ये वाला बोल रहा है कि जो ये ऊपर वाला है ये हमारा फॉल्स है तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन आ रहा है दोनों स्टेटमेंट में तो ये हमारा कभी भी ट्रू नहीं होगा क्योंकि इसी से हमारे स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहे हैं अपने आप ए बोल रहा है कि नीचे वाला सही है नीचे वाला बोल रहा है ऊपर वाला गलत है ठीक है तो एक ए के टाइम पर हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं तो इसलिए कभी भी uh, हमारा फर्स्ट तो करेक्ट नहीं होगा ठीक है कि स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू दिस इज नॉट करेक्ट सेकेंड है हमारा स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देर इज एटलीस्ट वन स्टेटमेंट बिटवीन ए एंड बी एटलीस्ट मतलब एक या एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट हमारे बीच में आ जाते हैं तो क्या हमारा ये ट्रू होगा यहां से ले लो एक स्टेटमेंट मैंने सी बोल दिया कि सी हमारा इन दोनों के बीच में एक कोई भी स्टेटमेंट है अब स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि जो ये वाला हमारा स्टेटमेंट सी है दैट इज ट्रू और स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि स्टेटमेंट सी इज ट्रू स्टेटमेंट सी इज फॉल्स तो एक ए के टाइम पर स्टेटमेंट सी आपका ट्रू भी हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है विच इज इन लॉजिकली इनकरेक्ट तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया अब जब आप ये वाला लोगे ना तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि अगर आपके इस इस दोनों के बीच में एटलीस्ट टू स्टेटमेंट होते हैं तब आपकी ये कंडीशन बिल्कुल सही होगी समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां पर सी और डी स्टेटमेंट डाल देती हूँ सी डाल देती हूँ स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट डाल देती हूँ और डी तो यहां पर जो स्टेटमेंट ए है वो इस सी स्टेटमेंट को ट्रू बोल रहा है और जो प्रिडिंग है वो हमारा डी स्टेटमेंट को फॉल्स बोल रहा है तो ये पूरी की पूरी कंडीशन हमारी सॉर्ट हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट बोल रहा है स्टेटमेंट्स ए एंड बी सिर्फ थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि अगर ए और बी के बीच में मैं दो स्टेटमेंट दे देती हूँ तब भी मेरा यहाँ पर लॉजिकली करेक्ट होगा फर्स्ट में भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट में हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है अपने स्टेटमेंट को सेकेंड में अगर मैं एक स्टेटमेंट बीच में डाल भी देती हूँ तो वो एक ही टाइम पर ट्रू भी हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है ठीक है और थर्ड ऑप्शन में है कि अगर मैं ए और बी के बीच में दो स्टेटमेंट्स डाल देती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ठीक है तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा क्लियर एवरी वन चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो क्या आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का yes, third हमारा इस क्वेश्चन क्वेश्चन का का इससे पहले वाले आंसर होगा ओके okay, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आते हैं यहां पर सिर्फ और स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्टर्ब करने तो कोई नहीं स्टूडेंट्स आप डिस्टर्ब मत होना आप आराम से पढ़ो यहाँ पर ठीक है चलो क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर माय फ्रेंड राजू हैज मोर देन 1000 बुक्स सेड शाम ओ नो ही हैज लेस देन 1000 बुक्स सेड शाम वेल राजू सर्टेनली हैज एट लीस्ट वन बुक सेड गीता इफ ओनली वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू हाउ मेनी बुक्स डज राजू हैव ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है ये सॉल्व करो जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर होगा इए क्या आंसर होगा देखो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि माय फ्रेंड राजू हैज मोर देन थाउजेंड बुक ये हमारा राम स्टेटमेंट बोल रहा है शाम क्या बोल रहा है कि उसके पास लेस देन बुक्स हैं और हमारी गीता क्या बोल रही है कि राजू के पास हैज बुक कि एक या एक से ज्यादा बुक है ओके तो काफी आंसर में वेरिएशन आ रहा है ठीक है कोई नहीं अब बोल रहे है कि अगर इन तीनों स्टेटमेंट में से हमारे जो ये तीन स्टेटमेंट हुए हैं राम शाम और गीता के उनमें से हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू है तो बताओ राजू के पास कितनी बुक होंगी देखो अब यहाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ये क्या है नंबर ऑफ बुक्स डज राजू हैव ठीक है तो अगर मैं यहाँ से कंसिडर कर लू कि राजू के पास हमारी एक बुक है ऑप्शन को लेके चलते हैं ना कि राजू के पास हमारी एक बुक है अगर राजू के पास हमारी एक बुक है तो इन तीनों स्टेटमेंट में से मेरा सिर्फ एक ट्रू होना चाहिए और सब फॉल्स होने चाहिए ठीक है अब हमारा फर्स्ट बोल रहा है माय फ्रेंड राजू हैज मोर देन वन थाउजेंड बुक दिस इज अ फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट व्हेन राजू हैज वन बुक ओनली ठीक है अब सेकंड है ओ नो ही हैज लेस देन 1000 बुक सेड श्याम दिस इज ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि लेस देन वन थाउजेंड में हमारी वन बुक भी तो आएगी ना अब आती है थर्ड बात राजू सर्टेनली हैज वन बुक बुक का मतलब एक या एक या से ज्यादा हो है राजू के पास तो दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट तो अब आपके पास क्या हो गए यहाँ तीन स्टेटमेंट दिए हुए थे और क्वेश्चन में बोला गया था कि सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है बट अगर राजू के पास एक बुक होती है तो यहां पर मेरे दो स्टेटमेंट सही हो रहे हैं ओके okay, क्या हो रहे हैं दो स्टेटमेंट सही हो रहे हैं तो राजू के पास एक बुक पॉसिबल नहीं है ठीक है राजू के पास हमारी एक बुक पॉसिबल नहीं है अगर राजू के पास मैं क्या आप दिखाऊं आपकी आपकी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन बुक्स है ठीक है 999 बुक्स है राजू के पास अब हमारा अगर इसके पास इतनी बुक्स है मतलब मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कौन से ऑप्शन को लेकर मेरा यहाँ पर जो तीन स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से सिर्फ एक ट्रू हो फर्स्ट बोल रहा है कि माई फ्रेंड राजू हैज मोर देन वन थाउजेंड बुक्स तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट आएगा यहाँ से अगर राजू के पास नाइन हंड्रेड नाइन बुक्स हैं इसके बाद ये क्या बोलता है तो इसमें बोला गया है, राजू हाँ yes, हमारी एक से ज्यादा ही है तो ये भी हमारा ट्रू हो गया तो अगेन क्या आ गया आपका इन तीन स्टेटमेंट्स में से दो करेक्ट आ गए बट आने कितने सही चाहिए सही सिर्फ एक आना चाहिए तो ये बुक भी हमारी पॉसिबल नहीं है ठीक है अब अगर आप देखो यहां पर कि अगर मैं राजू के पास वन थाउजेंड बुक्स ले लेती हूं कि राजू के पास मेरी वन थाउजेंड बुक्स है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अब मुझे बताओ जल्दी से कि कितने स्टेटमेंट मेरे करेक्ट आएंगे बताइए कि अगर मैं राजू के पास वन थाउजेंड बुक्स ले लेती हूं, तो मेरे कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट आएंगे बताइए देखो क्या है यहां पर कि अगर राजू के पास मेरी वन थाउजेंड बुक्स हैं यहां पर यह वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि माय फ्रेंड राजू हैज मोर देन वन थाउजेंड बुक बट हमारे पास एग्जैक्टली वन थाउजेंड है सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अब यहां पर बोला गया है ओ नो ही हैज लेस देन वन थाउजेंड बुक सेड शाम बट उसके पास एग्जैक्टली वन थाउजेंड है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा यहां से फॉल्स हो जाएगा और ये बोला गया है कि राजू के पास एक या एक से ज्यादा बुक है तो उसके पास वन है तो यहां से ये ट्रू आ गया तो मतलब हमारे हमें यही तो चाहिए था कि तीनों स्टेटमेंट में से ऐसी नंबर ऑफ बुक्स मेरी क्या होंगी कि मेरा सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट आए ओके? Okay? तो हमारी जो राजू के पास बुक होनी चाहिए वो वन थाउजेंड होंगी तभी हमारे इन तीनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट करेक्ट आएगा यस वन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा यस एवरीवन यस वेरी गुड जो भी स्टूडेंट्स ने थर्ड आंसर दिया था और फोर्थ आंसर दिया था उनको क्लियर हो गया है कि क्यों हमारा थर्ड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि आपने ये जो कंडीशन थी ना आप क्या करते हो क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ते हो आधा अधूरा पढ़ोगे हमेशा पता है कि जो भी हमारी थोड़ी सी नॉलेज होती है वो हमेशा डेंजरस होती है तो यहां पर भी पूरा क्वेश्चन रीड करो अच्छे से ठीक है उसके बाद आंसर तक पहुंचो यह स्टेटमेंट आपने छोड़ा होगा डेफिनेटली तभी आपका आंसर रॉन्ग आ रहा था अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था ओके एवरी वन क्लियर हो गया है सभी को यस गीताज स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली ओके चलो इस टाइप का क्वेश्चन आपका गेट एग्जाम में भी आ चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन नेट में भी आया था एक ईयर में और ये अभी नवंबर 2020 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है ठीक है और देखो क्वेश्चन कितना इजी है वेरी गुड एवरीवन वेरी गुड देखो अभी क्वेश्चन देखो ये तो आप अपनी अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो अपने घर में देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इन अ ग्रुप ऑफ सिब्लिंग्स आर सिस्टर्स सिस्टर हैज वन ब्रदर हाउ मेनी सिब्लिंग्स आर देयर अब यहाँ पर सोचो कि आपके घर में जो टोटल सिब्लिंग हैं वो कितने हैं अगर आपके घर पर सात बहनें हैं और उन सात बहनों का एक भाई है तो टोटल सिबलिंग कितने होंगे क्या आप भी उन लोगों में से हो जो यहाँ पर करोगे कि हर एक सिस्टर का एक भाई हुआ तो यहाँ पर सात प्लस साथ कितना 14 14 आंसर आ जाएगा नहीं ना क्योंकि ये सब बहने हैं और उनका एक भाई है हर भाई का वो हर बहन का वो भाई तो होगा ही ना तो जो टोटल लोग होंगे यहां पर क्या होंगे वो सेवन सिस्टर्स प्लस वन ब्रदर ना कि यहां पर आपको सेवन नहीं लिखना है वन ब्रदर आएगा ठीक है तो टोटल होंगे इस क्वेश्चन में वो कितने हो जाएंगे एट होंगे तो देखो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड इज नॉट ऑल अबाउट मैथ्स जिससे आपको डर लगता है नो no. यहां पर आपके लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं कि कैसे आप अपना माइंड का यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यस yes, जो हमारा ब्रदर है वो कॉमन है ऑल सिस्टर्स के लिए ठीक है तो इसलिए इस क्वेश्चन इस का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा संग्राम देखो इस टाइप के नहीं मैं बोल रही हूँ कि इसी टाइप के आपके छः सात क्वेश्चन मिलेंगे जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे वेन डायग्राम ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के जो क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम उसके क्वेश्चन मिलेंगे मतलब छह सात ईजी मिलेंगे ऐसा नहीं है इसी टाइप के हमेशा हर एक क्वेश्चन आएगा बट छह सात इजी क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे ओके okay, सुधा बिल्कुल वैसे कैलेंडर प्रॉब्लम जो होते हैं बहुत कम आते हैं एग्जाम में सी एस नेट में तो बहुत ही कम आते हैं तो अगर आप थोड़ा बेसिक नॉलेज भी रखोगे कैलेंडर प्रॉब्लम के लिए तो वो भी सही है ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का और फिर हम क्लास को एंड करते हैं क्योंकि हमने ये ट्रूथ फॉल्स वाले बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं या फिर इसको होमवर्क रखते हैं इसको आप लोग घर पर ट्राई करना और कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ठीक है इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चल हम सबसे पहले आके यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रू और फॉल्स का मतलब तो मैंने समझा ही दिया ना कि ट्रूथ और फॉल्स का क्या मीनिंग है कि अगर आप फॉल्स बोल रहे हो मतलब झूठ बोलते हो तो उस दिन आप कोई भी स्टेटमेंट बोलो हमें उसका ऑपोजिट लेना है बस ये ध्यान में रखो और अगर सच बोलते हो तो आप कोई भी स्टेटमेंट बोलोगे वो सच ही होगा तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम अपने सेशन को एंड करते हैं येस विष्णु गुप्ता हमारे जनरल एप्टीट्यूड की बुक अवेलेबल है आप उसको परचेज कर सकते हो एमेजोन से फ्लिपकार्ट से या फिर हमारी वेबसाइट से भी ठीक है और उसमें आपको सारे टॉपिक वाइज थियरी मिलेगी उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे एंड देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे तो वो बुक एक इसी तरीके से फ्रेम की गई है कि जैसे आपको थोड़ा भी डर ना लगे और जो उसके सोल्यूशन है वो भी इसी तरीके से बनाए हैं कि मैथ्स और फॉर्मुलाज का यूज हम कम करें ओके यस आरती आप हम आई एफ एस एप्टीट्यूड पर भी देख सकते हो वहां पर भी हमारी वीडियोस एप्टीट्यूड के अवेलेबल है अनन्या पॉल हमारी क्लास कल ही होगी सेम टाइमिंग पर uh, ग्यारह बजे कल हम अपने इसी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड यस मेन बात हमारा सैटरडे को होने वाली है मेंटी क्विज और जो भी मेंटी क्विज का विनर रहेगा वो जीतेगा हमारा कोर्स जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स फर्स्ट विनर को हमारा कोर्स दिया जाएगा सेकंड विनर को हमारी टेस्ट सीरीज दी जाएगी और थर्ड विनर को हमारी बुक दी जाएगी तो ये तीनों चीजें अगर किसी को जीतनी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बनो और हमारा आईएफएस की बुक टेस्ट सीरीज और कोर्स जीत सकते हो ओके संग्राम yes, ये हमारी सीरीज भी तो कंटिन्यू रहेगी ओके okay, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो एंड हैपी टू ऑल स्टूडेंट्स यस भारती नागपाल ओके एवरीवन चलो मैंने और भी क्वेश्चंस डाले हुए थे पर ठीक है हम कल कर डिस्कस करते हैं ओके okay, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ एक बार कि जो भी हमारा फर्स्ट विनर रहेगा उसको ऑनलाइन क्लास दी जाएगी सेकेंड को टेस्ट सीरीज एंड थर्ड को हमारा एप्टीट्यूड की बुक ठीक है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेंटी क्विज में विनर बनो क्वेश्चन सॉल्व करो और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ही रहेंगे ये मैं अभी आपको बता रही हूँ और क्वेश्चंस का लेवल जो हमारा सीएसआईआर नेट का रहता है वही रहेगा ठीक है एवरीवन चलो फिर मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर सेम चैनल पर ओके विद सेम टॉपिक ओके सो happy learning everyone thank you so much stay home and stay safe okay chalo